नमस्कार, रेडालेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। रुक करते हैं बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर में शुरू हुई धर्मदेव की जेल यात्रा। जी हां, बाबा धर्मदेव के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं सुआतला थाने में। 3376 से है, 1354 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर है नरसिंहपुर से। ये कथित बाबा धर्मदेव के खिलाफ पुलिस में 4 फरियादियों ने मामले दर्ज कराए हैं। तो बाबा धर्मदेव के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए हैं, और इसके साथ ही बाबा धर्मेंद्र दुबे की जेल यात्रा शुरू हो गई है। पूरे मामले पर नजर डालें तो कुछ दिन पूर्व मीडिया को बाबा धर्मदेव के कुछ वीडियोज हाथ लगे थे। मीडिया ने उक्त मामले पर खबरों का प्रसारण किया, जिसके बाद पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया था। बाबा की गिरफ्तारी के समय आश्रम से 2 किलो गांजा बरामद हुआ था, तभी से पुलिस मामले की जांच में लगी हुई थी। पुलिस उन महिलाओं और लड़कियों को ढूंढ रही थी जिनके वीडियो फोटो वायरल हुए थे, और अब पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी है। 4 फरियादी पुलिस को मिले हैं, जिन्होंने सुआतला थाना पहुंचकर बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आपको बता दें, बाबा पूर्व से ही पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अभी तक कोई दैहिक शोषण का मामला बाबा के ऊपर दर्ज नहीं था। कल दोपहर बाबा के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं। जब इस मामले में पुलिस अधीक्षक अजय सिंह से बात की गई, तो पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त मामले में धर्मेंद्र देव उर्फ धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ सुआतला थाना में FIR दर्ज की गई है, जिनमें 3 मामले धारा 376 के तहत, साथ ही एक अन्य मामला धारा 354 का है। जब ये सूचना आई थी, तो सूचना के आधार पे जो आरोपी है उसके घर की सर्चिंग की गई थी, और वहाँ पे 2 किलो गांजा करीबन बरामद हुआ था, और उसने फिर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, और उसी मामले में अभी वर्तमान में वो जेल में निरुद्ध हैं। और अभी जो आज जो FIR हुई है, उसमें भी उनकी आगे लीगल जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ महिलाओं को अपने बस में कर लेते थे। प्रथम दृष्टिया 354 पॉक्सो एक्ट और 376 के मामले की बात संज्ञान में आई है, और किस तरीके से मोडस ऑपरेंडी था उस संबंध में जांच की जा रही है। वशीकरण या जो भी आप बता रहे हैं, वैसे भी कोई अगर तथ्य आएंगे तो उनको भी समाहित किया जाएगा जांच में, और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नरसिंहपुर में बाबा धर्मदेव उर्फ धर्मेंद्रदास का साकेत धाम के नाम से आश्रम था, जिसमें बाबा धर्म की आड़ में दैहिक शोषण करता था। इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, हमें बताएंगे ये पूरा क्या मामला था। मुकेश, हमें बताएं ये पूरा मामला क्या था। जी एक बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको कि पूर्व में ही कुछ दिन पहले ही बाबा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर गिरफ्तारी जो अभी हुई थी वो आश्रम में गांजा पकड़ाया गया था बाबा के। पर शिकायत ये थी कि हमारे चैनल ने प्रमुखता से खबरें दिखाई थी कि अश्लील वीडियोस एवं फोटोस बाबा के मोबाइल में पाए गए थे, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे थे। जब हमने इसकी पड़ताल की तो गांव वालों से जाके बाबा के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये बाबा का काफ़ी दिनों से ऐसा सोशल मीडिया पर ये कुछ बच्चियों या कुछ महिलाओं के साथ कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब हमने इसकी पूरी तहकीकात की तो ये बात सत्य निकली, पर इसका कोई प्रूफ या कोई आवेदक ना होने के कारण बाबा को केवल गांजे के तस्करी या गांजे उनके आश्रम में जो पाया गया था उसके लिए उन पर मामला दर्ज किया गया था। पर हाल ही में 4 आवेदकों ने उनके खिलाफ दैहिक शोषण का मामला दर्ज किया है, आवेदन दिया है, जिसके तहत जो है कल ही कार्रवाई हुई है और मामला कल ही दर्ज हुआ है। अब किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, 376 के तहत 3 मामले दर्ज हुए हैं, साथ ही एक छेड़छाड़ के आरोप में भी एक आवेदन लिया गया है। जी, तो मुकेश, पूरी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। ये पूरा मामला था नरसिंहपुर के साकेत धाम में चल रहे दैहिक शोषण के मामले में। पुलिस को अब पीड़ितों के द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस ने FIR दर्ज की है, और अब बाबा की जेल यात्रा शुरू हुई है। वहीं जानकारों की माने तो उनका कहना है, मामले में इतने संगीन और गंभीर आरोप लगे हैं कि बाबा का अब जेल स्थायी निवास हो सकता है। ऐसी सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज़। नमस्कार।